हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय ए के एम अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सो so, आज हम ट्रेनर्स क्वालिफिकेशन पैक में नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट लर्निंग एट वर्क प्लेस ऑन द जॉब और सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट करने जा रहे हैं इसमें हम एलिमेंट टू करेंगे एलिमेंट वन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इनवायरमेंट तो स्टार्ट करते हैं ये एलिमेंट टू एलिमेंट टू स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट वन जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था दैट इज ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट एलिमेंट टू आज हम करेंगे दैट इज इम्पार ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट एलिमेंट थ्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोनिटर एंड ईवेल परफॉर्मेंस ऑन द जॉब और इन एसिमुलेटरी वर्क इन्वायरमेंट एलिमेंट फोर हम करेंगे कैरी आउट पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ सो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट टू से एलिमेंट टू में सबसे पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ कौन कौन से हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एट सेवन जो हमने एलिमेंट वन में किया था PC-8 share with the learner clearly the acceptable standard of knowledge and performance required from them at the end of the session. PC-9 is brief the learner on workplace health and safety requirement and the consequences of not adhering the, to the same. PC-10 is ensure all learner have access to necessary equipment and materials for practicing on and learning the work skill. Next, performance criteria: hai, PC 11. Explain each step in the task or procedure required to be learned to the learner and clarify their queries with respect to the same. Next, PC 12: Demonstrate each step in the task or procedure required to be learned to all learner at the place at the pace and manner that that is uh, easy for learner to follow then pc13 explain unfamiliar terms and dragons as and when it is used in the verse that the learner can understand easily and pc14 is state the pre uh, precautions to be taken while performing the various steps now next performance criteria that is 15 provide opportunity for each learner to practice each step in the task and procedure required to be learned immediately after the demonstration if possible pc16 in short steps are taken to protect the students as he or she perform each step of the procedure from hazards follow the learning programs and or delivery plan to cover the, all the learning objectives so start karte one by one pc is share with the learner clearly the acceptable Standards of knowledge and performance required from them at the end of the session. सो so, बोलता है जब भी एज ए ट्रेनर आप जो है सेशन स्टार्ट करते हो तो बोलता है हर स्टूडेंट्स को उस आ, पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन के ऑब्जेक्टिव और आउटकम से अवेयर करना आपका काम है और स्टार्ट ऑफ द सेशन में ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या आउटकम्स होनी चाहिए आ, किसी भी सेशन को शुरू करने से पहले और हम क्या क्या चीज़ें इसमें एक्टिविटीज़ में करेंगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे ये सारी चीज़ों की एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है नाउ पी सी एटीन में बोलता नाइन में बोलता है ब्रीफ द लर्नर ऑन द वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट एंड दंसिक्वेंस ऑफ नॉट अडेयरिंग टू द सेम सो बोलता है एज ए ट्रेनर आप क्या करोगे ब्रीफ आउट करोगे हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड गाइडलाइंस है ना सो so, आप जिस भी तरह की ट्रेनिंग देने जा रहे हो जॉब ट्रेनिंग है या आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग है तो जो भी आप इक्विपमेंट का यूज़ करोगे तो उसमें किस तरह से उसको यूज़ करने है उसकी अडेरेंस के बारे में कि इस तरीके से एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंदर इसको यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है सो दैट की पर्सन जो हैं अवेयर हो जाएं और यह भी अवेयर करना है कि अगर आप गलत तरीके से यूज़ करते हो तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो सक क्या परिणाम हार्मफुल परिणाम हो सकते हैं या क्या चीज़ हो सकती है तो उससे भी अवेयर करवाना आपका है तो हर एक इक्विपमेंट है या उसका एक हर ऑर्गेनाइजेशन के एक गाइडलाइंस होती है किसी भी काम करने को एक सिस्टमेटिकेशरेटिंग प्रोसीजर्स होता है एस होते हैं सो so, वो चीजें जो है मैटर करती हैं कि आपने सो so, आइए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए ट्रेनर कि आप जो है जो है को ये बताएं कि आपने किसी इक्विपमेंट को किस तरह से यूज़ करना है ताकि अगर कोई इमरजेंसी अगर आ भी जाती है इनकेस तो उससे कैप से निपटना है तो इसके बारे में पता चल सके नाउ पी सी टेन है हमारे पास इंश्योर ऑल लर्निंग द वर्क स्किल सो ड्यूरिंग सेशन प्लान ईच पॉइंट ऑफ टॉपिक क्लियरली और एक्टिविटी आपको क्या करना है कि सेशन जब शुरू करते हैं तो हर चीज के बारे में आपको जो है जानकारी देनी है है ना ऑब्जेक्टिव आपने बताए अब नौ जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे या इक्विपमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करवाओगे तो तो आपने ये जरूर करना है इंश्योर कि हर स्टूडेंट्स के पास वो चीज़ प्रैक्टिसिंग की वो चीज़ हो है ना वो हर स्टूडेंट उसको यूज़ करना सीख ले उस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है वो सीख ले फॉर एग्जांपल जैसे मान लो स्विंग मशीन ऑपरेटर्स है इसकी जॉब रोल के लिए आप सिखा रहे तो इंश्योर करना है कि हर कोई स्विंग मशीन का यूज़ करना जाने तो उसके लिए क्या है आपने इंश्योर करना ये एक ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा ना हो कि सारे सीख लें और कुछ एक स्टूडेंट्स जो बच जाएँ उस इक्विपमेंट को यूज़ करने से सो ड्यूरिंग सेशन प्लान हर टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए और एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए हमें हर लर्नर पे फोकस करना होता है पी सी इलेवन में बोलता है एक्सप्लेन ईच स्टेप इन द टास्क और प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी लर्न टू ऑल लर्नर्स एंड क्लेरिफाई देयर क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द सेम तो बोलता है जो भी आप काम कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सेशन आपने सेशन प्लान में भी डिस्कस किया था कि सेशन प्लान में हम हर वो टॉपिक जो छोटी से छोटी चीज़ें वो हम काउंट करते हैं कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है किस तरह के क्वेश्चंस रेज करने है ना तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी आप टास्क या प्रोसीजर्स जो है लर्नर को सिखाने के लिए यूज़ कर रही हैं तो उसके लिए जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं वो लर्नर को जरूर बनानी बतानी है कैसे यूज़ करना है जैसे इक्विपमेंट यूज़ करने की बात थी तो इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है ये जरूर बताना है देन अगर फिर भी कोई ट्रेनिंग को क्वेरीज होती है तो उसको इमिजिएटली uh, रिजोल्व करने की कोशिश करनी है सो so दैट की ट्रेनर जो है सही तरीके से उस टॉपिक को उस इक्विपमेंट uh, का यूज़ करना सीख सके नाउ पी सी ट्वेल्व पी सी ट्वेल्व विच डेमोन्स्ट्रेट ईच स्टेप इन द ट्स और प्रोसीजर रिक्वायर टू बी लर्न और ऑल लर्नर एट देश एंड मैन दैट इज ईजी फॉर द लर्नर टू फॉलो अब इसमें इस स्टेप इस में बोलता है कि बोलता है एज द हमेशा एक लर्नर का लर्निंग आउटकम और लर्नर्स के बीच में एक गैप होता है उसको अचीव फुलफिल करने के लिए अचीव करने के लिए हमें हर एक्टिविटीज की डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप देनी है और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग बाई डूइंग मैथड से उनको सिखाना भी है कि अगर मान लो कि मैं स्विंग मशीन ऑपरेटर ऑपरेटर का के जवाबरल के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं मशीन चलाना ऑन करना सिखा रहा हूँ तो हर वो स्टेप जो है आपने ऑन करना चलाना सिखाना भी है और देखना भी है कि वो ठीक ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर कोई लर्नर जैसे मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अगर स्लो सीखता है तो उसकी लर्निंग पेस को ध्यान में रखते हुए आपको अगर या या कोई लर्नर जो है नहीं सीख पा रहा है तो उस जल्दी से इजीली ग्रास नहीं कर रहा है तो एक सिंप्लीफाइड वे में उसको सिखाने की कोशिश करनी है है ना दैट इज़ आल्सो कवर्ड इन द सेशन प्लान दैट इज़ समाइम आपको मॉडिफाई भी करना पड़ता है सेशन प्लान अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस now pc thirteen pc thirteen is explain unfamiliar terms and jargons as and when it is used in the words that the learner can understand easily ईजिली so, सो हर एक जॉब में हर एक सब्जेक्ट के अपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती हैं कुछ जागन्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक्निम्स हो सकते हैं तो एज ए ट्रेनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि आप उस ट्रेनिंग को उस वर्क आ, एरिया के लिए वर्क प्लेस के लिए वर्क इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने उन अनफेमिलियर टर्म्स मतलब टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल जो टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन जरूर करना है कि क्यों यूज की जा रही है और क्या चीज़ है इसका क्या मतलब है तो इसका जरूर यूज़ करना है सो दैट कि एक ट्रेनर ट्रेनर जो है एक लर्नर को है ना वर्क प्लेस की के अकॉर्डिंग जो है प्रपेयर कर पाए पी सी में पी सी में आपके पास है स्टेट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाई परफॉर्मिंग द बेरियर स्टेप्स अब बोलता है जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं सिखाने के लिए तो ट्रेनर मस्ट अडेयर टू द एस ओ पी एस ओ पी ट्रेनिंग की जो एस ओ पी हैं या इक्विपमेंट या एक्टिविटी या डेमोस्ट्रेशन जो भी देने उसके लिए जो भी एस ओ पी डिज़ाइंड है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है ना ताकि कोई भी एमरजेंसी जो है वो ना पैदा हो है ना और इसके लिए वो उसको कंपनी की प्रोसीजर और को फॉलो फो, करना ही पड़ेगा नाउ पी सी फिफ्टीन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फॉर ईच लर्नर टू प्रैक्टिस ईच स्टेप इन द टास्क और प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी लर्न इमीजिएटली आफ्टर द डेमोस्ट्रेशन इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो जो एक जो एक ट्रेनर ने इक्विपमेंट सिखाया है एक जो काम करने का तरीका बताया है उसको प्रैक्टिस करने का मौका भी देना है उससे प्रैक्टिस भी करवानी है सो so दैट की जो और इमीजिए ये काम जो है इमेजिएटली आफ्टर डेमोस्ट्रेशन हो जाना चाहिए सो दैट की जो जो एक ट्रेनिंग है वो उसको सही तरीके से सीख पाए सो ड्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन के बाद जब आप ट्रेनर ट्रेनी से काम करवा रहे हैं तो उसको चेक भी करना है फीडबैक भी देना है कि कहाँ वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है है ना सो so ये स्टेप्स चेक भी करनी है ताकि उसको सी फीडबैक मिल सके और मेन चीज़ ये है कि ये काम अगर डेमोस्ट्रेशन के बाद होता है तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है पी सी सिक्सटीन इंश्योर स्टेप्स आर टेकन टू बी प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स एज ही और शी परफॉर्म स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर फ्रॉम हैजर्स आपने ये जब वो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए है ना एज ए ट्रेनर कि वो एसओपी को फॉलो करें इक्विपमेंट के यूज़ करने के लिए या जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके अकॉर्डिंग जो हैं वो प्रोडक्ट को जो भी इक्विपमेंट है उसको यूज़ करना सीखें ताकि किसी भी तरह की आ, जो इमरजेंसी है वो अराइज ना हो नाओ पी सी सेवनटीन पी सी सेवनटीन में फॉलो द लर्निंग प्रोग्राम इन एंड और डिलीवर प्लान टू कवर ऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव नाव एज स्टेटेड इन द प्रीवियस यूनिट कि ट्रेनिंग मस्ट फॉलो द सेशन प्लान डिजाइन फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़ ठीक है सेशन प्लान को फॉलो करना होता है ताकि सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो सके सारे एस्पेक्ट्स ट्रेनिंग के जो भी अलाइंट किए गए हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो फुलफ़िल हो सकें ठीक है सो so, जो भी सेशन प्लान में वो चीज़ें हैं, उनको फॉलो करना है ताकि लर्निंग आउटकम्स अचीव हो सके सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू